please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हर्षित चौधरी, रियल्टी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन के होम बायर्स के साथ, जो कि पिछले 10 साल पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं और आज तक उन्हें पोजीशन नहीं मिला है। अब आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने आगामी 24 फरवरी को क्या प्लान आउट करा है। इन्होंने डीएलएफ के कॉरपोरेट ऑफिस जाके उन वहाँ शिकायत करने का निश्चय लिया है, निर्णय लिया है, और उसके बाद हुड्डा ऑफिस जाने का भी निर्णय लिया है। तो इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी होंगी जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। गुड़गांव एक्सप्रेस ग्रीन्स मानेसर में डीएलएफ के प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने निवेश किया है उनको आज की तारीख में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनको अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस प्रोजेक्ट में निवेश करके। ये प्रोजेक्ट, मेरा नाम देवेंद्र खुराना है और मैंने ये प्रोजेक्ट 2009 में लिया था। 2009 से आज तक हम इस फ्लैट की वेट कर रहे हैं कि हमें फ़्लैट मिले और हम इसमें रहें। जब इन्होंने 2009 में बोला कि हम आपको पोजेशन 2011 में दे देंगे, तो हमें पोजेशन 11 में देने की बजाय इन्होंने 12 तक तो कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट नहीं किया। 2012 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जब तक हमारी 50% पेमेंट इनके पास जा चुकी थी। 50% पेमेंट जाने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपको फ्लैट साल में, दो साल में दे देंगे। जैसे ही दो साल पूरे हुए, उसके बाद इनका कोई केस हो गया कि हुड्डा ने ज़मीन इंक्वायर करी और उसमें फंड्स नहीं मिला, फार्मर्स ने केस डाल दिया, वो फिर सीबीआई में चला गया। आज इस प्रोजेक्ट को 10 साल हो चुके हैं, हमारे नाम रजिस्ट्री हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमारे हाथ में फ़्लैट की ना तो की है, ना पोजेशन है, ना उसका कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जाएं तो ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब देखो डीएलएफ कहता है कि तैयार होगा, नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता कि ये घर हमें कब मिलेगा। क्या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में वो उनके नाम से ही बिकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या आपने डीएलएफ का नाम सुनकर इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था या इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत देखकर? नहीं, सिर्फ डीएलएफ का नाम सुनकर ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और कोई रीज़न नहीं था। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप लोगों को? नहीं, अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। हम ही पिछले 5 साल से करीब कोर्ट केसेस चल रहे थे। पहले हाई कोर्ट केस था, वो बिल्डर के फेवर में गया। अभी सुप्रीम कोर्ट केस पिछले करीब 3 साल से है, लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया। 24 अप्रैल को इसका हेयरिंग कंप्लीट हो चुका है, बट इट्स बिन मोर देन 10 मंथ्स और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ही नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। डीएलएफ, वेन एवर वी अप्रोच डीएलएफ, एवरी टाइम डीएलएफ हैज द सेम एक्सक्यूज की जजमेंट इज सपोज टू कम। सो वेन एवर जजमेंट इज देयर, वी कैन सी एनीथिंग ओनली आफ्टर दैट। सो वी आर वेटिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स नाउ, इट्स बिन 10 ईयर्स एंड दैट्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एनी बिल्डर हैज टेकन आई सपोज। मैंने प्रोजेक्ट पर लोन भी लिया है और इनफैक्ट मैं रेंट पर रह रहा हूँ अभी। सो आई एम पेइंग बोथ द बैंक इंटरेस्ट एज वेल एज द रेंट ईएम। आपको क्या लगता है कि इस समस्या को लेकर डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अभी तो देखकर लग ही नहीं रहा कि उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर उनको ऐसा लगता तो दे शुड हैव टेकन सम पॉजिटिव स्टेप, एटलीस्ट कुछ कंसर्न दिखाते वो जो कस्टमर्स हैं। लेकिन दे डोंट शो एनी सिंपथी विद द कस्टमर्स कि उन्हें कुछ अल्टरनेट वो ऑप्शन दें, रिजनेबल ऑप्शन दें, या उन्हें जो डिले हुआ है उसके लिए पेनल्टी पे करें। दे सिंपली डिनाई दैट, दे से द कोर्ट द केस इज सब जुडाइज, सो दे कांट डू एनीथिंग। मैम, आप, मैंने देखा कि आप काफ़ी आवेश में लग रहे हो मुझे, तो 24 तारीख को जो आप एजिटेशन प्रोग्राम प्लान आउट कर रहे हो उसका क्या आपका मुद्दा है, क्या एजेंडा रहेगा? ये हमारा मुद्दा यह है कि हम इतने सालों से तो जागे नहीं थे, अब हम ये जाग के बताना चाहते हैं डीएलएफ को कि ये जो हम ब्रांडेड अच्छा नाम सुन के इसके पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये इसकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये दे ही नहीं रहा बिल्डर, ये बिल्डर बना बना के मकान दे ही नहीं रहा। ये अपनी बिल्डिंगें खड़ी करी जा रहे हैं और 10 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं और लोग जो हैं रेंट पर रह रहे हैं, तो इसलिए उनको बड़ी मुश्किल है कि ईएमआई दे या रेंट दे। तो उनको परेशानी है, उनकी परेशानी देख के हमें भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमने सब लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कहा था कि अब डीएलएफ में लगाओ, ये ब्रांडेड नेम है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। और ये जो आया हुआ ये खट्टर, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये तो ये हरियाणा के लिए, इनको तो लाना ही बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि लोगों को घर मिल नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं तो हार्ट अटैक से बेचारे मर गए हैं जो ओल्ड थे। और हल्ला बोल हमने शुरू कर दिया है और हम पूरा हल्ला बोलेंगे कि ये गलत काम हो रहा है,
लोगों को घर मिल नहीं रहे और सब एक एक पैसा ले लेके बाहर की कंट्रियों में देशों में भागे जा रहे हैं। तो हम हल्ला बोलेंगे यहाँ पर। केपी सिंह जी को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन अब पड़ेगा ना जब हम सड़कों पे हल्ला बोलेंगे। अब जब उनकी इज्जत खराब होएगी मार्केट में, तब उनको पता चलेगा। उनको हमें दूसरे घर दे दे चाहे कैसे भी दे लोगों को, लेकिन उनका पैसा बड़ा उसका ईमानदारी का कमाया हुआ, हराम का पैसा नहीं है लोगों का। उनको उनके घर दे दे, बस हम ये चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि 24th को जो आप एजिटेशन प्लान आउट कर रहे हैं डीएलएफ कॉर्पोरेट ऑफिस में, और उसके बाद आपने बताया कि आप हुडा अथॉरिटी पे भी जाएंगे, और उसके बाद आप एफआईआर लॉन्च कराएंगे डीएलएफ के खिलाफ, तो क्या एजेंडा रहेगा उस दिन का? हम लोग बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसा अग्रेसिव एजेंडा एजिटेशन नहीं करने वाले हैं, बट हम लोग हाँ अपनी बात ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम में से कोई भी हम लोगों को सिर्फ डीएलएफ एक फेक कंसोली करता रहा कि नहीं अभी हो जाएगा, 10 महीने में आ जाएगा जजमेंट, या 1 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, बट कोई जजमेंट नहीं आया है। 10 साल से लोग परेशान हैं। हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम डीएलएफ के ऑफिस में जो भी उनके सीनियर मैनेजमेंट है उनसे हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे और उनसे मिलेंगे। वहाँ पर अपनी बात रखने के बाद हम हुडा ऑफिस जाना चाहते हैं। वहाँ पे भी हम अपनी बात रखेंगे कि अगर हमें सीएम से हमारी मीटिंग हो सकती है और हम अपनी बात रखें वहाँ पे, और वो इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी इज़ लाइक, यहाँ पे कितनी यंग फैमिलीज़ हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द यंग फैमिलीज हैव इन्वेस्टेड इन दिस। बहुत जगह देखा गया है कि एजिटेशन से और इस तरीके के आरोपों से कोई भी एक संक्षिप्त सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, लोगों को सॉल्यूशन मिलने में बहुत देरी लगी है। हो सकता है कि 24 तारीख को आप भी जो करेंगे, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं निकल आता है ना डीएलएफ कॉर्पोरेट ऑफिस जाने से ना हुडा जाने से, तो आपका क्या वो रहेगा? सी, मेरा मानना है कि रिजल्ट तब तक नहीं निकलता है जब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रेपुटेशन पे या पोजीशन पे। जब डीएलएफ की रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, जब हम लोग जाएंगे और हम 10 लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे दिस इज़ हाउ पीपल आर सफरिंग बाय इन्वेस्टिंग इनटू डीएलएफ प्रोजेक्ट्स, देन जब उसकी रेपुटेशन पे आएगा तो डीएलएफ विल हैव टू टेक एक्शन एट एनी कॉस्ट इफ़ डीएलएफ वांट्स टू सर्वाइव, एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर फाइट। सी, हम लोग सभी ऑप्शंस अभी देख रहे हैं कि हम लोग क्या 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 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और हम लोग डेफिनेटली लीगल अगर कोई भी हम लोगों को हाँ, और अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता इस एजिटेशन से तब हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। मे बी हम लोग इधर वी हैव टू लॉज अ FIR या हमें कुछ भी करना पड़े, पुलिस के पास जाना पड़े, देन वी विल टेक व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड।